रश्मि नागपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं दिनभर की सुर्खियों पर। बुधवार 26 अक्टूबर को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि इंडियन करेंसी पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी और गणपति की तस्वीर होनी चाहिए। उनकी इस मांग पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और नागपुर के कांग्रेस के एमएलए डॉक्टर नितिन राउत ने ट्वीट करके केजरीवाल पर निशाना साधा है। राउत ने अपने ट्वीट में कहा है कि नोट पर महात्मा गांधी के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर क्यों नहीं। इसके बाद राउत ने ये भी लिखा है कि धर्म का नशा करने वाले लोग मूर्ख नहीं बल्कि शातिर है। राउत ने आगे लिखा है कि केजरीवाल जिन स्कूलों की खूब ब्रांडिंग करता है उन स्कूलों में उन्हें जाना भी चाहिए, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के सिद्धांतों को समझे तो शायद उन्हें धर्म का नशा न बेचना पड़े। राउत ने आगे लिखा है कि केजरीवाल और मोदी में कोई खास फर्क नहीं, दोनों संविधान विरोधी और धार्मिक रूप से पाखंडी है। धार्मिक अफीम के ठेकेदारी करने वाले केजरीवाल हो, आरएसएस हो, बीजेपी, ये हमेशा बाबा साहेब के संविधान गांधी के सिद्धांतों का अपमान करते हैं। याद रहे कि जैसे जैसे गुजरात इलेक्शन पास आ रहे वैसे ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से अलग अलग बयान सामने आ रहे। अभी देश में बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे को दरकिनार कर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हिंदुत्व कार्ड का एक नया मुद्दा छेड़ दिया है जिस पर अब कई दिनों तक बहस होगी। महाराष्ट्र में होने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को लेकर इस साल के शुरुआत से ही चर्चाएं हो रही, लेकिन अब इस मुद्दे पर राज्य के डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान देकर साफ किया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में ये मामला चल रहा है, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देगा उसी के आधार पर इलेक्शन कराए जाएंगे। बुधवार 26 अक्टूबर को फडणवीस ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कब लेना है ये अधिकार इलेक्शन कमीशन का है। पिछले दिनों कमीशन ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए एक प्रोग्राम तय किया था जिसको कोर्ट में चैलेंज दिया गया था। उन्होंने कहा कि जैसे ही इस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा राज्य में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे। ऐसा है कि कोर्टामध्ये केस चाललेली आहे आणि त्या केसचा जो काही निकाल लागेल किंवा जो काही डायरेक्टिव मिळेल त्यानुसार निवडणुका ठरतील। निवडणुका कधी घ्यायच्या हा सगळा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे। आता निवडणूक आयोगाने एक टाइम टेबल फाइनल केला होता त्याच्यावर तो कोर्टात केस चालली आहे, त्या केसचा निकाल लागेल तर लगेच निवडणुका होती। गुरुवार 20 अक्टूबर को नागपुर शहर में 56 लाख रुपए कैश चोरी करने की वारदात सामने आई थी। सब्जी व्यापारी पंकज निपानी के फ्लैट से पैसा चुराया गया था। मंगलवार 25 अक्टूबर को पुलिस ने इस मामले में दुकान में काम करने वाले नौकर मिथिलेश मानकर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनमें 27 लाख रुपए जब्त किए। इन आरोपियों में भूपेश डोंगरे, आशीष भैसारे है, इसमें शामिल दूसरे आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे। जब चोरी हुई तो पुलिस ने सबसे पहले निपानी की दुकान पर काम करने वाले मिथिलेश से पूछताछ की। इसके बाद उसने पुलिस को चोरी का प्लान बनाने की और साथियों के साथ चोरी करने की कबूली दी। जानकारी के अनुसार आरोपी मिथिलेश काफी समय से निपाते के कलना की दुकान में काम करता था। उसको यह भी पता था कि पूरा कैश ये लोग घर में ही रखते हैं, घर में हमेशा 20 से 25 लाख रुपए रहते हैं। पुलिस के अनुसार दुकान का काम करने के लिए उसे कार भी दी जाती थी और उसी में फ्लैट की चाबी भी थी। डुप्लीकेट चाबी बनाकर उसने इसकी जानकारी अपने दोस्तों को दी। जिस दिन चोरी हुई उस दिन वो दुकान में ही था। जैसे ही निपाने दुकान पहुंचे उसने इसकी जानकारी अपने दोस्तों को दी। इस चोरी को जिस तरह से अंजाम दिया गया था पुलिस को शक था कि इस चोरी को किसी पहचान वाले व्यक्ति ने ही किया है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ही कैश की पूरी जानकारी थी। इस पूरे मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। दिवाली में पटाखे फोड़ते समय शहर में कई लोग जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार 100 से ज्यादा लोग मेयो मेडिकल और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। मेडिकल हॉस्पिटल में पटाखों से जले हुए 7 मरीजों का इलाज किया गया है। इनमें से कुछ 10 से 12 साल के बच्चे थे, तो वही मेयो हॉस्पिटल में 11 लोगों का इलाज किया गया। इनमें से कई लोगों की आंखें भी जख्मी हुई है। इसके साथ ही शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल में 77 से ज्यादा लोगों के पहुंचने और इलाज कराने की जानकारी सामने आई है। डॉक्टर पिनाक दंते हॉस्पिटल में 12 मरीजों का इलाज किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे थे। हर साल पटाखे फोड़ने के कारण छोटे बच्चे और बड़े लोग जख्मी होते हैं। इस साल इसका ज्यादा प्रमाण बढ़ा है। दिवाली में शहर में 24 घंटों में 13 जगहों पर आग लगी जिसके कारण फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की दिवाली आग को बुझाने में ही चली गई। फायर ब्रिगेड के चीफ फायर ऑफिसर राजेंद्र उसके की जानकारी के अनुसार दिवाली के दिन जो ज्यादातर कॉल आए वो पटाखे के कारण, जमा कचरे के कारण और जमा सामान में आग लगने की घटनाएं थी। उन्होंने जानकारी दी कि शहर में इस दौरान आग लगने की घटनाओं में किसी की भी जीवित हानि नहीं हुई। मंगलवार की शाम अजनी के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ऑफिस में आग लगने से वायर के काफी बंडल जल गए थे। उन्होंने कहा कि इसको बुझाने
पहुंचाने में करीब 45 मिनट का समय लग गया। उचके की जानकारी के अनुसार शहर के अलग अलग जगहों पर आग लगने के बाद उस जगह के फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर समय पर पहुंचकर आग बुझाई। वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिले। इस न्यूज स्क्रिप्ट को आपके लिए लिखा है शमानंद ताड़े ने और मेरे साथ कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। तब तक देखते रहिए नेशन नेक्स्ट, नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।